कोरोना महामारी के कहर से कांप रहा है देश, नाकाफी साबित हो रहे सरकारी इंतजाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की आज चार राज्यों के साथ हाई लेवल मीटिंग। आज दोपहर 3 बजे चार राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। वैक्सीनेशन और मैनेजमेंट का है मुद्दा। देश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार पर लगा थोड़ा अंकुश, 24 घंटे में सामने आए 3,43,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 39,923 नए केस सामने आए, 695 की जान गई। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,657 नए केस, 62 की जान गई। दिल्ली में भी कोरोना के नए केस में आई थोड़ी कमी, 24 घंटे में 8,506 नए कोरोना के मामले, 289 की जान गई। यूपी में पिछले 24 घंटे में 15,747 नए कोरोना केस, 312 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली से सटे हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 10,608 नए कोरोना के मामले सामने, 164 की जान गई। बिहार में भी कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी, 24 घंटे में 7,494 कोरोना के नए मामले सामने आए। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 9,995 कोरोना केस, 104 लोगों ने दम तोड़ा। देश में वैक्सीन की भारी कमी, राजधानी दिल्ली में 18 प्लस के टीकाकरण अभियान पर लगी ब्रेक, 100 वैक्सीनेशन सेंटर बंद। दिल्ली में 45 प्लस की वैक्सीनेशन पर भी मंडराया संकट, सिर्फ 2 दिन का बचा है कोविशील्ड का स्टॉक, कोवैक्सीन का सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बाकी। देश में वैक्सीन की कमी के बीच कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन के अरोड़ा ने आज तक से कहा कोविशील्ड वैक्सीन के बीच 12 से 16 हफ्ते के अंतर पर घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर एन के अरोड़ा के मुताबिक नए शोध से हुआ है प्रमाणित, 12 से 16 हफ्तों के गैप से कोविशील्ड लेने से बढ़ जाती है वैक्सीन की क्षमता। देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की कल हैदराबाद में लगाई गई पहली डोज, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के दीपक सप्रा ने ली पहली डोज। रूस में तैयार की गई वैक्सीन स्पुतनिक वी अगले हफ्ते से भारत में बड़े पैमाने पर होगी उपलब्ध, 15 मिलियन डोज सप्लाई के लिए तैयार, 36 मिलियन डोज का सौदा। स्पुतनिक वी वैक्सीन चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में होगी उपलब्ध, स्पुतनिक को -18 डिग्री तापमान में रखने की रहती है जरूरत। भारत में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन पर भी विचार, सिंगल टीके की हो रही तैयारी। भारत में अगले 3 महीने में अमेरिका में तैयार फाइजर वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन का टीका भी होगा उपलब्ध। भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल में भी कोरोना का भीषण कहर, अस्पताल में मरीजों के लिए जगह नहीं, बाहर हो रहा है जैसे तैसे इलाज। लखनऊ के मोहनलालगंज में हाल ही में 40 से 50 लोगों की मौत से दहशत, जबरौली गांव में मृत 30 लोगों में थे कोरोना जैसे लक्षण। जबरौली गांव में लोगों का आरोप, मौत बढ़ता जा रहा है कोरोना का खौफ, लेकिन किसी प्रशासनिक टीम ने नहीं दी दस्तक, नहीं हुई कोई टेस्टिंग। यूपी सरकार का दावा, 1 सप्ताह में ग्रामीण अंचल में 3 करोड़ घरों में टेस्टिंग टीम ने दी दस्तक। यूपी में कोरोना टेस्टिंग ड्राइव के ग्रामीण अंचल में 2.5 लाख लोगों के टेस्ट का दावा, लेकिन अपनों को खोने वालों के दुखते जख्मों ने देरी पर उठाए सवाल। साहब हम कहाँ जाए दिला दे, हम घर में अकेले रहे, हमका कुछ मालूम तो नहीं रहा है, किनका कहूँ भर्ती करा दे हम। यूपी में शवों के नदी में बहने पर योगी सरकार सख्त, एसडीआरएफ और पीएसी करेगी नदियों में पेट्रोलिंग। गंगा और दूसरी नदियों में लाश मिलने पर बोले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत, कहा सरकार के फॉरवर्ड एक्शन का दिखने लगा असर। लखनऊ डीएम की नई पहल, अब मरीजों के घरों तक दवा पहुंचाएगी चेतक टीमें, सीएम योगी ने दिए निर्देश। गाजीपुर में शवों के लिए शुरू हुआ लकड़ी बैंक, समाजसेवी संजय राय ने कहा गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को फ्री में मिलेगा दाह संस्कार के लिए लकड़ी। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बीच मल्हारा से सीधी जा रही बारात को डीएम एसपी ने वापस लौटाया, 2,000 रुपए का काटा चालान। अवारा में भी गंगा नदी में तैरते शवों का मामला सामने आया, जिला प्रशासन के छूटे पसीने। आरा में जिला प्रशासन की टीम ने 3 शवों को गंगा से बाहर निकाला, अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया। यूपी के टावा में आज तक की खबर का असर, अस्पताल में हर फ्लोर पर खोला गया बाथरूम, काम पर लौटे डॉक्टर्स। यूपी में वैक्सीन की ग्लोबल टेंडर के बाद एक्शन मोड में योगी सरकार, प्री बिड चर्चा में 5 कंपनियों ने हिस्सा लिया। यूपी सरकार ने 4 करोड़ वैक्सीन के लिए निकाला है ग्लोबल टेंडर, 21 मई है टेंडर भरने की आखिरी तारीख, कुल 11 राज्यों ने वैक्सीन के लिए निकाले हैं ग्लोबल टेंडर।
कोरोना काल में मदद करने वाले यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ, इस पर हुआ बवाल। कांग्रेस ने कहा न हम डरेंगे न हमारा जज्बा टूटेगा। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से दिल्ली पुलिस की पूछताछ पर राहुल गांधी का तंज, बोले बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। श्रीनिवास से पूछताछ पर भड़की प्रियंका, बोली जरूरतमंदों की मदद करना अपराध तो मैं करूंगी बार बार। यूथ कांग्रेस की श्रीनिवास के घर रेड को कांग्रेस ने बताया शर्मनाक, सुरजेवाला ने कहा मदद करने वालों को परेशान कर रही सरकार। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को श्रीनिवास से की थी पूछताछ, मदद के लिए मंगाए जा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं के स्रोत की थी जानकारी ली। कोरोना संकट के बीच फाविफ्लू दवा डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर से मांगा जवाब। दिल्ली पुलिस के जवाब मांगने पर बोले गौतम गंभीर, पुलिस को दे दी गई सारी जानकारी, क्षमता के मुताबिक जारी रखूंगा मदद। हुआ के सरकारी अस्पताल में 4 दिन में 74 मरीजों की मौत, बीती रात 13 मरीजों ने दम तोड़ा। गोवा में मरीजों की मौत की खबर दिखाने पर जागी राज्य सरकार, गोवा मेडिकल कॉलेज में 20,000 लीटर ऑक्सीजन टैंकर लगाने का काम शुरू। गोवा के अस्पतालों में मरीजों की मौत का मामला गरमाया, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी कांग्रेस। कोरोना से तबाही पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, जिस दर्द से देशवासी गुजरे हैं उसे मैं भी कर रहा हूं महसूस। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड को बताया अदृश्य दुश्मन, लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। अदृश्य दुश्मन है और यह दुश्मन बहुरूपिया भी है। जमाखोरों के खिलाफ प्रधानमंत्री का कड़ा बयान, कहा सख्ती से निपटे राज्य सरकार। कोरोना वैक्सीन पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16 मई से 31 मई के बीच करीब 2 करोड़ केंद्र भेजेगी डोज। वाराणसी में देखी दिल को सुकून देने वाली तस्वीर, अस्पताल में भर्ती 3 साल के ब्लड कैंसर पीड़ित मासूम ने जीती कोरोना से जंग, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डॉक्टरों ने बच्चे संग किया डांस। वाराणसी में होमी भाभा कैंसर अस्पताल में भर्ती 3 साल के मासूम का हौसला बढ़ाने, पीपी किट में नजर आए डॉक्टर्स, अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीज भी दिखे खुश, डांस में दिया साथ। यूपी के एटा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन, बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों को पुलिस ने करवाई उठक बैठक, वीडियो वायरल। कानपुर में बच्चों में बढ़ते कोरोना की कहर को देखते हुए 10 NICU बेड्स का किया गया बंदोबस्त। विशाखापट्टनम में कॉलेज को 300 बेड के कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया, आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन किया। मेरठ में ब्लैक फंगस के 3 और मरीज मिले, कोरोना की वजह से बढ़ रही है बीमारी। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ब्लैक फंगस का कहर, 2 मरीजों की मौत, कुल 5 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि। वडोदरा का एक स्कूल जहां पर अस्थायी कोविड सेंटर में बदला गया, 300 बेड की व्यवस्था की गई। विदिशा में कोरोना महामारी के बीच अंधविश्वास का बोलबाला, डॉक्टर की जगह झाड़फूंक करवाने वाले जुटे लोग। कोरोना से मुक्ति के लिए बिहार के गया में तांत्रिक पूजा, कालीबाड़ी मंदिर में बकरे की दी गई बलि। यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौके पर हुई मौत, ट्रक से टकराई स्विफ्ट कार, हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। हतौली से दवा लेकर स्विफ्ट गाड़ी से अपने गांव लौट रहे थे युवक, इसी दौरान हुआ हादसा। सभी 5 युवकों का कार में हादसे से कुछ ही देर पहले का एक वीडियो भी आया सामने, अचानक कैमरा हिलने के बाद हुआ हादसा। पानीपत खटीमा मार्ग पर हुए हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार। चित्रकूट के जिला कारागार में गैंग वॉर में 3 अपराधियों की हत्या पर जेलर और जेल अधीक्षक निलंबित, सीएम योगी ने तलब की रिपोर्ट, जांच के लिए डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी भी चित्रकूट पहुंचे। यूपी के सुल्तानपुर में सियासी रंजिश में चली गोली, मीरापुर गांव में प्रधान पर हारे हुए उम्मीदवार को गोली मारने का आरोप, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मीरापुर गांव में ईद मिलन के बाद लौटते वक्त बाइक की तेज आवाज को लेकर प्रधान और हारे हुए उम्मीदवार के बीच हुआ विवाद, इसी दौरान चली गोली, हिरासत में आरोपी। धौलपुर में बारातियों और यूपी पुलिस के बीच गफलत में हुई मुठभेड़, गोली लगने से बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर, राजस्थान पुलिस ने यूपी पुलिस के 4 आरोपी पुलिस कर्मियों को रोका। बारातियों ने पुलिस टीम पर लूट के इरादे से लगाया आरोप, यूपी पुलिस के मुताबिक गौ तस्करी का सुराग मिलने पर पहुंची थी टीम, लेकिन बारातियों ने लुटेरा समझकर किया हमला, बचाव में चलाई गोली।
यूपी के रामपुर में कानून से बेखौफ नजर आए लोग, मामूली विवाद में छत से जमकर की फायरिंग, वीडियो वायरल। रामपुर में गोलीबारी के दौरान दो लोग हुए घायल, पुलिस ने आरोपियों की पहचान के बाद कार्रवाई का दावा किया। प्रतापगढ़ में दो सगे भाइयों को बदमाशों ने मारी गोली, बीजेपी विधायक की मौजूदगी में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल ने गोली लगने से घायल भाइयों को प्रयागराज के लिए रेफर किया, लेकिन बीजेपी विधायक के दखल के बावजूद देर तक नहीं मिली एम्बुलेंस, मृतक का शव ऑटो पर ले जाने की आई नौबत। फरीदकोट पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को ड्रग तस्करी में किया गिरफ्तार, नशे की खेप बरामद। आगरमालवा में सीसीटीवी में कैद हुई चाकूबाजी की वारदात, दो युवकों पर बाइक सवार छह युवकों ने किया हमला, भागकर बचाई जान। आगरमालवा पुलिस ने चाकूबाजी में शामिल तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, तीन की तलाश। लुधियाना के मनगढ़ गांव में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से पांच बच्चों की मौत। लुधियाना पुलिस ने 5 करोड़ की ठगी के दो आरोपियों को दबोचा, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री से फायदा दिलाने का झांसा देकर ठगे थे पैसे। सीकर में प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी, चलती ट्रेन के आगे एक साथ लगाई चालान। केरल में तौकते तूफान का ऑरेंज अलर्ट, केरल की 12 जिलों में रेड अलर्ट, तूफान के वक्त 175 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका। तौकते तूफान के मद्देनजर अगले 12 घंटे माने जा रहे हैं क्रूशियल, मुंबई में आज मछुआरों को समंदर न जाने की सलाह। तौकते तूफान की वजह से लक्षद्वीप में आज और कल भारी बारिश की आशंका। कोंकण और गोवा में भी तौकते तूफान की वजह से आज और कल भारी बारिश की आशंका। गुजरात के तटीय इलाकों में भी आज और कल भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की वजह से 18 मई को सौराष्ट्र और कच्छ में होगी भारी बारिश। यूपी की शामली में कराना में मुठभेड़, गैंगस्टर मुकिम काला ढेर। लखनऊ में पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग से की पूछताछ, कई लोगों को ये गैंग लगा चुका है चूना। सुल्तानपुर में मौजूदा प्रधान ने पूर्व प्रधान को मारी गोली, घायल हालात में करवाया गया भर्ती। अंबाला में मसाज पार्लर में रेड, दो गिरफ्तार। फतेहाबाद में लॉकडाउन के दौरान सब्जी बेचने वाले शख्स का हंगामा, पुलिस से हाथापाई। जालंधर में पति ने पत्नी का किया कत्ल, वारदात के बाद किया आत्मसमर्पण। गाजियाबाद पुलिस ने कालाबाजारी में दिल्ली के 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 20 ऑक्सीजन फ्लोमीटर भी जब्त। पटना के दानापुर में शाहपुर क्षेत्र में अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, वार्ड पार्षद समेत 2 जख्मी। बिहार के भोजपुर में दरोगा संतोष रजक की सामने आई करतूत, लॉकडाउन का पालन कराने के दौरान युवती और महिलाओं के साथ किया अभद्र व्यवहार, वीडियो वायरल। हिमाचल की मंडी में 15 लाख गैर कानूनी अफीम के पौधे बरामद, बाजार में कीमत 10 करोड़। इसराइल ने किया हमास पर जोरदार हमला, महज 44 मिनट के अंदर 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फलस्तीन पर बोला हमला, कहा इसराइल का सैन्य ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी जरूरत, गाजा को भी चुकानी होगी कीमत। अमेरिका के प्रोविडेंस में जबरदस्त गोलीबारी, कुछ लोगों ने एक घर को बनाया निशाना, 9 लोग घायल हुए। ब्राजील के 2 अलग अलग शहरों में ब्लैक कम्युनिटी के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, दुनिया भर में रंगभेद को लेकर हो रही हिंसा के खिलाफ रैली। अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन को पटरी पर लौटने की कवायद तेज, प्रांत के गवर्नर ने कहा 30 जून तक पूरी बहाल हो जाएगी अर्थव्यवस्था।